आईपीएल 2024 के एक मैच में लखनऊ सुपर जायंट के मालिक संजीव गोयकल और साथ ही कप्तान केएल राहुल के बीच में एक मैच में तिखी बहस देखने को मिली और जिसके बाद से ये खबर निकल के सामने आ रही थी केएल राहुल अगले साल से लखनऊ सुपर जायंट को छोड़ने वाले हैं। लेकिन अब इस खबर ने एक अलग ही मोड ले लिया है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आप भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करें अगर संजीव गोयकल और केएल राहुल के बीच में हुई बहस के बारे में तो इन दोनों के बीच में 2024 के एक आईपीएल मैच के दौरान आईपीएल मैच के बाद में दोनों के बीच में बहस शुरू हुई। लेकिन अब 26 अगस्त को हुई दोनों के बीच में मुलाकात ने एक नया मोड़ ला दिया है। 26 अगस्त को संजीव गोयकल और केएल राहुल के बीच में हुई मुलाकात ने लखनऊ सुपर जायंट के पुराने घाव पर मरहम तो लगा दिया है, लेकिन शायद यह घाव भर पाना बहुत ही मुश्किल है कि इस मुलाकात के बाद में एक नए मुद्दे ने मोड़ ले लिया है। अगर इस पूरे मुद्दे के बारे में बात करें तो यह बात है आईपीएल 2024 के एक मैच की। यह मैच सनराइजर हैदराबाद और लखनऊ के बीच में खेला गया। हैदराबाद की टीम ने इस मैच में लखनऊ की टीम को बहुत ही बुरी तरीके से हराया। इतना ही नहीं, हैदराबाद की टीम ने यह मैच 10 विकेट से अपना नाम किया। लेकिन इस हार के बाद में संजीव गोयकल और केएल राहुल के एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें संजीव गोयकल केएल राहुल को बहुत डांटते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद में संजीव गोयकल की बहुत ज्यादा आलोचना हुई और यह भी माना जा रहा था केएल राहुल अगले साल आने वाले सीजन में लखनऊ की टीम को छोड़ सकते हैं। और अभी इस समय ताजा खबरों के मुताबिक लखनऊ की टीम 2025 के आईपीएल में केएल राहुल को अपने टीम में रिटेन तो करेगी, लेकिन एक कप्तान के तौर पर नहीं करने वाली बल्कि केएल राहुल को अपने साथ एक खिलाड़ी के तौर पर जोड़ने वाली है। जिसके बाद लखनऊ की टीम के लिए एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि आगे आने वाले सीजन में यानी कि 2025 में लखनऊ की टीम की कप्तानी किसके हाथ में जाएगी। और अगर रिपोर्ट के माने तो आगे आने वाले सीजन में यानी कि 2025 में लखनऊ की टीम की कप्तानी दो खिलाड़ियों के हाथ में जा सकती है। और जिन दो खिलाड़ियों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, ये दोनों खिलाड़ी ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जिनमें से एक विदेशी खिलाड़ी साथ ही एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। जिन दो खिलाड़ियों के बारे में अपन बात कर रहे हैं उनमें पहला नाम आता है वेस्ट इंडीज के धाकड़ बल्लेबाज निकल्स पुरन का। निकल्स पुरन के बारे में अगर बात करें तो निकल्स पुरन आईपीएल में 2019 से ही खेलते हैं और निकल्स पुरन पिछले 2-3 साल से लखनऊ सुपर जायंट टीम के लिए खेलते हैं। निकल्स पुरन के रिकॉर्ड की बात करें तो निकल्स पुरन ने अब तक आईपीएल में 76 मैच खेले हैं और इन 76 मैच में निकल्स पुरन के नाम 1769 रन है। तो निकल्स पुरन आने वाले समय में लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान बनने की काफी उम्मीदवार बनते हैं, क्योंकि निकल्स पुरन ने बहुत से मैचों में टीम को उभारा है और साथ ही टीम को जीत दिलाई है। निकल्स पुरन के बाद में अगर टीम किसी इंडियन के साथ जाना चाहेगी तो लखनऊ सुपर जायंट की टीम हार्दिक पांड्या के भाई यानी कि बाएं हाथ के बल्लेबाज कुणाल पांड्या को भी कप्तानी दे सकती है। कुणाल पांड्या घरेलू मैचों में भी टीम में कप्तानी कर चुके हैं, जिससे कुणाल पांड्या को कप्तानी करने का काफी अनुभव है। कुणाल पांड्या के बारे में बात करें तो कुणाल पांड्या 2016 से ही आईपीएल से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही कुणाल पांड्या ने अब तक मुंबई इंडियंस और लखनऊ की टीम के लिए आईपीएल में खेला है। कुणाल पांड्या के बारे में आगे और चर्चा करें तो कुणाल पांड्या ने अब तक 127 आईपीएल मैच खेले हैं, जिनमें कुणाल पांड्या के नाम 1647 रन है और साथ ही 76 विकेट कुणाल पांड्या ने अपने नाम किए हैं। तो आगे आने वाले सीजन यानी कि 2025 में लखनऊ सुपर जायंट के लिए बहुत कुछ नया होने वाला है, जहां पर लखनऊ की टीम में एक तरफ केएल राहुल बतौर प्लेयर खेलने वाले हैं तो उसी के साथ लखनऊ की टीम को एक नया मेंटोर यानी कि जहीर खान का साथ मिलने वाला है। इसके अलावा लखनऊ की टीम के लिए एक नया कप्तान नई भूमिका लेके आने वाला है और लखनऊ की टीम चाहेगी कि यह नया कप्तान उन्हें अपनी पहली ट्रॉफी की तरफ लेके चला जाए। लखनऊ की टीम के लिए पिछले 3 वर्षों में केएल राहुल ने कप्तानी की भूमिका निभाई है, लेकिन केएल राहुल लखनऊ की टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। और साथ ही अगर देखा जाए तो केएल राहुल कप्तानी मिलने के बाद में एक बल्लेबाज के रूप में भी उभर नहीं पाते हैं। तो अगर केएल राहुल कप्तानी छोड़कर एक बल्लेबाज के रूप में बैटिंग करते हैं तो केएल राहुल अपनी टीम को बहुत ही फायदेमंद दे सकते हैं। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि लखनऊ की टीम के लिए जहीर खान ने कोचिंग की भूमिका साथ ही मेंटोर के रूप में पद को संभाला है, लेकिन जहीर खान की असली भूमिका ये रहेगी कि जहीर खान लखनऊ की टीम को उसका पहला खिताब दिलाने में कामयाब रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।